फतेहपुर जिले के पत्रकारों ने बलिया जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान पेपर लीक करने के आरोप में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी जताई है। पत्रकारों की रिहाई की मांग कर दोषी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में बलिया प्रशासन द्वारा 3 पत्रकारों को जेल भेजने की घटना से बिंदकी समेत जिले के 3 तहसील के पत्रकार आक्रोशित हैं। जिला पत्रकार संघ एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को 5 सूत्री ज्ञापन राज्यपाल के नाम डीएम को सौंप कर पत्रकारों की जल्द रिहाई कर बलिया डीएम और एसपी को बर्खास्त करने की मांग की है। वीडियो में आगे देखें पत्रकार संघ के लोगों ने क्या कहा। बलिया में हमारे अमर उजाला के 3 पत्रकार दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा और मनोज गुप्ता को पर्चा आउट होने की खबर छापने के आरोप में वहां के बलिया के डीएम इंद्र विक्रम सिंह और वहां के कप्तान ने मिल के साजिश के तहत उनको जेल भेजकर उनका उत्पीड़न किया है। जबकि पर्चे आउट होने का सारा दारोमदार कलेक्टर के ऊपर होता है, उनकी देखरेख में, उनकी सुरक्षा में, डबल लॉक से केंद्र व्यवस्थापक तक पहुँचता है। ऐसे में अगर 24 घंटे पहले कोई पेपर आउट हो रहा है तो निश्चित रूप से बलिया के डीएम और कप्तान उसके जिम्मेदार हैं। योगी सरकार को चाहिए थी कि इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके डीएम और एसपी के खिलाफ उनको बर्खास्त करना चाहिए। प्रशासन ने अपनी बचाने के लिए, बलिया डीएम ने अपनी बचाने के लिए हमारे 3 पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लगा के उनको जेल में भेज दिया है। हमारे संगठन की मांग है, हम पत्रकारों की मांग है कि जो पत्रकार जेल भेजे गए हैं उनके ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए और उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। साथ ही बलिया डीएम और एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें इतनी बड़ी खामी के लिए उनको बर्खास्त किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। ये हमारी आज की प्रमुख मांगे हैं।